और राजी वेलकम टू पार्ट टू ऑफ दिस ट्यूटोरियल लास्ट टाइम हम लोगों ने जो भी चीज़ें सीखी थीं अब उसका पार्ट टू जो है वो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ आप लोगों को आज जो मैं बताऊँगा वो है हाउ कैन यू मेक एन एडजस्टमेंट लेयर इट्स ऑल अबाउट हाउ यू कैन वर्क ऑन एडजस्टमेंट लेयर अच्छा पहली वीडियो में मैंने आपको बता दिया था कि वीडियोस किस तरीके से टाइमलाइन में ड्रैग करते हैं ये टाइमलाइन होती है ये प्रोजेक्ट विंडो होती है ये पैनल होते हैं जिसमें काफ़ी सारी इंपॉर्टेंट इंटरेस्टिंग चीज़ें होती हैं ये टेक्स टाइप टूल होता है ये रेजर टूल है जिससे हम वीडियो को बीच में से काट सकते हैं अच्छा जो काम की बात है वो मैं आपको बताता हूँ आज के टूटोरियल से रिलेटेड इसको थोड़ा ड्रैग एंड ड्रॉप इसको ड्रैग कर देते हैं थोड़ा ताकि बड़ा हो जाए और इस प्रोजेक्ट विंडो ये देखें प्रोजेक्ट विंडो लिखा हुआ है इफेक्ट लिखा हुआ है इनफो लाइब्रेरी हमें कुछ नहीं करना हमें बस प्रोजेक्ट विंडो जहाँ पे आपकी वीडियोस इंपोर्ट हुई हुई है वहां पे हमें यहाँ नीचे की तरफ जाना है न्यू आइटम लिखा हुआ होगा ये डस्टबिन के बराबर में ये डस्टबिन के बराबर में जो न्यू आइटम है इस पे आप एक दफा क्लिक करें फिर एडजस्टमेंट लेयर यहाँ पे होगा इसको एक दफा क्लिक करें तो ये आपके पास एक पॉपअप विंडो खुल जाएगी पॉपअप विंडो से मुराद ये आपको डायमेंशन बता रहा है कि भाई एडजस्टमेंट लेयर इसके अकॉर्डिंगली बना रहा हूँ मैं तो हम इसको कहेंगे ओके बना लो तो ठीक है यहाँ पे आपके पास ये जो एडजस्टमेंट लेयर यहाँ पे आ गई यहाँ पे आपकी वीडियोस और सारा कंटेंट होता है ठीक है एडजस्टमेंट लेयर को आपने ड्रैग करते हुए यहाँ पे लेके आना है क्लिप्स के दरमियान उसकी वजह क्या है कि जब भी हम कोई इफेक्ट लगाएंगे फॉर एग्जाम्पल ये जो है इफेक्ट इसमें गए अब ये इतने सारे इन्होंने प्रीसेट्स वगैरह और जीमेट्री प्रीसेट ऑडियो इफेक्ट ट्रांजेक्शन ये सारी चीजें जो हैं ये हम डायरेक्टली फुटेज पर ना लगाएं ताकि हमारी वीडियो जो है ये वीडियो ये डायरेक्टली ख़राब ना हो इस वजह से एडजस्टमेंट लेयर को इस्तेमाल में लाते हैं अब मैं क्या करूँगा कि मैं अपने कीबोर्ड पे ऑल्ट कंट्रोल और जो माउस का व्हील है उसको मैं आगे की तरफ प्रेस करूंगा तो, तो ये इनलार्ज होती चली जाएगी ठीक है जितना आपको समझ आता है आप उतना इनलार्ज करें एडजस्टमेंट लेयर को थोड़ा यहाँ आए अपने अकॉर्डिंगली के भाई देख लें ये दोनों हिस्से बराबर हैं या नहीं अब हम इसको बीच में से कट इस तरह करेंगे इसको हाफ में डिवाइड करेंगे इसको हाफ में डिवाइड किस तरह करते हैं इसको सेंटर में लेके आए और अपने कीबोर्ड में जो एरो तो की, था। था। की है उसको आगे पीछे करके देखा कि जहाँ से आपकी ये यहाँ से मेरी दूसरी वीडियो शुरू हो रही है और यहाँ से मैंने एक दफा बैक किया मैंने एक दफा आगे किया मैंने एक दफा बैक किया मैंने एक दफा आगे किया अपनी कीबोर्ड से कीबोर्ड पे जो एरो की है उससे तो हम यहाँ पे जब सेंटर में आ गए आप मेक श्योर sure कर लिया कि हाँ हम सेंटर में हैं ठीक है थीके? उसके बाद लेफ्ट साइड पे आप टेन टाइम्स उसको अपने कीबोर्ड में एरो की को प्रेस करेंगे टाइम्स तक कर लिया ठीक है अब रेजर टूल ये रहा रेजर टूल का आगे क्या लिखा हुआ है सी इसका मतलब इसका कीबोर्ड शॉर्टकट है सी सी को प्रेस किया आपने तो ये ऑटोमेटिकली सिलेक्ट हो गया अब यहाँ पे जाएंगे जहां पे हमारा ये बार बना हुआ है ब्लू कलर का जो आपको दिखाई दे रहा है ये यहाँ पे इसको एक दफा ये क्लिक किया और ये नीचे फुटेज जो हमारी वीडियो जो है इसको भी इसी जगह से यहाँ पे क्लिक कर दिया अब जो हमारा एक्स्ट्रा पार्ट ये बचा है इसको हम रिमूव कर देंगे सिलेक्शन टूल सेलेक्ट किया इसको हाईलाइट किया और एक दफा डिलीट दबा दिया अपने की से अब यही काम जो हमने यहां से यहाँ तक में किया है वही काम हम दोबारा राइट साइड पे भी कर लेंगे ये तो लेफ्ट साइड की कहानी हो गई ठीक है इसको हम बीच में लेके आ गए यहाँ पे मेक श्योर sure कर लिया कि भाई ये हमारा यहाँ पे सही है ये बीच में आ गया ठीक है दोनों फुटेजेस के बीच में इस वक्त मेरा कर्सर आया हुआ है ये जो है बार बना हुआ है ना ब्लू कलर का अब हम क्या करेंगे यही चीज जो हमने यही काम जो हमने लेफ्ट साइड पे किया था यही काम हम अपने राइट साइड पे करेंगे और वो किस तरह करेंगे अपने कीबोर्ड में देखें तो आपको एरो की राइट right साइड पे जाती हुई दिखाई दे रही होगी इस तरफ राइट साइड पे उसको आप एक दो तीन चार पाँच छह सात आठ नौ दस तक लेके गए उसके बाद हमने क्या किया रेजर टूल याद है टूल बताया था अभी सी इसका शॉर्टकट है तो सी प्रेस करेंगे तो रेजर टूल सिलेक्ट हो जाएगा सिलेक्ट हो गया अब एडजस्टमेंट लेयर के ऊपर गए यहाँ पे एक दफा क्लिक किया फिर इसी के नीचे यहाँ पे ये यह हमारी फुटेज जो है इस पे भी इसी जगह क्लिक किया एक्स्ट्रा पार्ट एडजस्टमेंट डेयर का बच गया है हमारे पास हमें किस तरह रिमूव करना है अभी बताया था ये सिलेक्शन टूल है वी इसको दबाएंगे इसको सिलेक्ट करेंगे और डिलीट अच्छा कुछ लोगों के पास ये वाला ऑप्शन जो है ये जो टूल्स हैं ये यहाँ पे बने हुए आ रहे होंगे कुछ लोगों के पास ये चीज यहाँ पे बनी हुई आ रही होगी मैं आपको लाके दिखा ये चीज जो है ये आप कहीं भी ड्रैग कर सकते हैं ये मैं लेके आ रहा हूँ तो ये हाईलाइट हो रही है ये यहाँ पे ले आया अक्सर लोगों की यहाँ पे ये चीज़ यूं इस तरह बनी हुई आती है तो आपको आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं अकॉर्डिंगली फॉर एग्जाम्पल कि ये इफेक्ट का पैनल मैं चाहता हूँ सपोज लाइब्रेरी का पैनल मैं चाहता हूँ यहाँ से हट जाए तो यहाँ से हट के मैंने इसको क्लिक किया क्लिक करके इसको ड्रैग किया यहाँ नहीं, यहां नहीं यहां, हां या नहीं या नहीं यहाँ हाँ यहाँ यहाँ मैंने छोड़ दिया तो देखें लाइब्रेरी यहाँ से उठ के यहाँ पे आ गई इसी तरीके से मैं चाहता हूँ भाई ये इफेक्ट कंट्रोल जो है ये इसको मैंने क्लिक किया और ये ड्रैग करता हुआ मैं माउस के साथ पकड़ के इसको नीचे लेकर हुआ आया और मैंने इफ़ेक्ट और मार्कर्स के दरमियान छोड़ दिया अपना माउस तो कहाँ पे आ गया इफेक्ट कंट्रोल यहाँ पे आ गया ये रहे आपके इफेक्ट्स ये रहा आपका इफ़ेक्ट्स कंट्रोल पैनल अच्छा बात करते हैं इफ़ेक्ट लगाने की तो इफेक्ट में प्री इफेक्ट के पैनल में गए यहाँ पर प्री सेट्स का ऑप्शन आता है प्री सेट्स पर एक दफ़ा क्लिक किया ये मैंने कुछ डाउनलोड्स किए हैं ये मैं आपको लिंक बता दूंगा कि कहाँ से डाउनलोड होता है एक्सक्यूज <coughs> मी अच्छा हमने 20 फ्रेम्स यानी कि टोटल ये 20 फ्रेम्स है 10 इधर है राइट साइड पे 10 इधर है लेफ्ट साइड पे ठीक है अब इसको बीच में सेंटर में ले आएंगे ठीक है इसको थोड़ा मैं ज़ूम इन कर लेता हूँ ज़ूम इन का क्या बताया था मैंने कंट्रोल ऑल्ट और माउस का जो व्हील है उसको आगे की तरफ लेके जाना है इसको दबाते हुए अब हम क्या करेंगे कि हमने कोई भी इफेक्ट इसमें से लगाना है फॉर एग्जांपल मैं ज, 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 मैं आ, स्लाइड लेफ्ट या स्लाइड डाउन लगाते हैं चले स्लाइड डाउन जो है वो मैंने इफेक्ट उठाया जो भी इफेक्ट आप यहां से उठाएंगे हाँ जो भी इफेक्ट आप यहाँ पे उठाएंगे वो लगाएंगे आप एडजस्टमेंट लेयर के ऊपर ये मैं एडजस्टमेंट लेयर के ऊपर लेके आया ड्रैग करता हुआ तो देखें प्लस का निशान बना हुआ आ रहा है, है। अब हट गया अब देखें आ रहा है अब हट गया अब देखिए आ रहा है है ना आ रहा है ना ये प्लस का निशान इसका मतलब हमने यहां से कोई चीज जब हम ड्रैग करते हैं तो ड्रैग किस तरह की जाती है ये स्मूथ स्लाइड डाउन इफेक्ट इसको क्लिक करते हुए लेके आए इसके ऊपर जब प्लस का निशान दिखे तो एडजस्टमेंट लेयर के ऊपर लेके आए और छोड़ दें ये मैंने छोड़ दिया तो ये इसके ऊपर अप्लाई हो गया देखें एफेक्ट बना हुआ आ गया ये देखें। कुछ हो भी रहा है इधर इंटरेस्टिंग सा लेकिन ये हम हो क्या रहा है ये हम आपको बाद में दिखाएंगे अच्छा इस इफेक्ट को पूरा करने के लिए मुकम्मल करने के लिए क्या करेंगे ये पहला स्टेप था कि ये इफेक्ट ड्रॉप कर दिया हमने एडजस्टमेंट लेयर पे ये बात याद रखें कि जो भी इफेक्ट हम लगाएंगे वो एडजस्टमेंट लेयर के ऊपर लगेगा ना कि इनके ऊपर इनके ऊपर क्या लगेगा इनके ऊपर इसी का जो बेस प्री प्रीसेट है वो लगेगा इसको क्लिक करते हुए ड्रैग करके लेके आए इस पे और लाके छोड़ दें सही है अब यही प्रीसेट लेके आए और यहां पे लाके छोड़ दें तो इसका मतलब इस पे इस पे और इस पे तीनों पे हमने इफेक्ट लगा दिया एक दफा दोबारा से, से में वापस टेन फ्रेम्स आगे जाके इसको काट दिया और मेक श्योर sure कि आपने वीडियो भी काटी हुई यहां से जितना टेन फ्रेम्स बनता है यहां से और यहाँ से काट दिया उसके बाद हम क्या करेंगे जो भी हमें इफेक्ट लगाना है उस प्रीसेट्स के अंदर जाएंगे प्रीसेट्स के अंदर ये मैंने डाउनलोड किए हुए मैं आपको लिंक दे दूंगा ये क्लिक किया ड्रैग किया इस पे लगा दिया और फिर जो बेस इफेक्ट है वो क्लिक किया इस पे और इस पे लगा दिया दोनों पे लगा दिया बेस ठीक है अब इसको प्ले करके देखते हैं ये क्या बन रहा है ये देखें अच्छा। ये ये आया देखें ये ये इफेक्ट ये ये इफेक्ट दिखा? मैं आपको थोड़ा बड़ा करके दिखाता हूं ये आया ये तो ये था हमारा आज का ट्यूटोरियल एडजस्टमेंट लेयर के बारे में अब नेक्स्ट इंशाल्लाह ट्यूटोरियल और मजीद थोड़ी और डिस्क्रिप्शन के साथ बताऊंगा मैं अभी फिलहाल के लिए एडजस्टमेंट लेयर का मुझे आपको सिखाना था कि किस तरह बनती है थैंक यू सो मच